नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। सोचिए, एक वीडियो से सुना के मैं आपको शुरुआत करता हूं। वैसे तो मुझे सुनाना नहीं चाहिए क्योंकि इसमें बीप नहीं है। ये वीडियो है खासकर एससी एसटी ओबीसी के नेताओं के लिए, जो राजनीति में अपना करियर बनाना चाहते हैं, जो सामाजिक आंदोलन राजनीति में जाना चाहते हैं, पॉलिटिक्स में जाना चाहते हैं, उन सब के लिए वीडियो। और बहुत ध्यान से देखिए, बहुत जरूरी है। आप भारत की राजनीति में तब तक ऊपर तक नहीं पहुंच पाएंगे जब आपकी छवि बहुत साफ सुथरी ना हो। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो गोधरा पर लगे दाग थे, उसको धोने में कितना वक्त निकल गया। और आप राजनीति में इस तरह से तो आगे नहीं बढ़ सकते हैं। ये सुनिए, सोचिए आप, कल्पना कीजिए। ये रमेश विधूरी है, 3 बार का विधायक, 2 बार का सांसद, लेकिन ये शख्स मंत्री नहीं है क्योंकि ओबीसी से है। निर्मला सीतारमन, 2 बार की सांसद, पहली बार सांसद राज्यसभा लाया जाता है, मंत्री बनाया जाता है, फाइनेंस मिनिस्टर। आप सोचिए, इस शख्स के बगल में 2 शख्स बैठा हुआ है जिसको लेकर खुद दानिश अली ने एक बयान दिया है। तो सोचिए किस तरह से इसके बगल में 2 शख्स बैठा हुआ है, दोनों सवर्ण समाज का है। एक का नाम है रविशंकर प्रसाद, जो पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं। दूसरे शख्स का नाम है हर्षवर्धन, वो भी पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं। अब आप बताइए कि ये दोनों शख्स किस तरह की राजनीति कर रहा है, हंस रहा। और अब दोनों की प्रतिक्रिया आ गई है कि हम इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं करते हैं, न इसका समर्थन करते हैं। रमेश विधूरी अलग थलग पड़ गया और उसका पॉलिटिकल करियर बर्बाद हो गया। सोचिए मोनू मानेसर के साथ क्या हुआ। मैं कहना यह चाह रहा हूं कि इस देश के दलित पिछड़े आदिवासियों को, रमेश विधूरी को लड़ना चाहिए था ओबीसी राजनीति के लिए, ओबीसी के आरक्षण के लिए, जानबूझकर। सोचिए, पहले कांग्रेस इसी तरह की राजनीति करती थी। बाबा साहेब के खिलाफ खुद दलित समाज को खड़ा किया जाता था, पिछड़ों के खिलाफ पिछड़ों को खड़ा किया जाता था। और अब इसी तरह की राजनीति बीजेपी कर रही है, जानबूझकर ऐसे लोगों को जो एससी एसटी ओबीसी समाज से। सोचिए, संविधान में संशोधन करना है तो राष्ट्रपति शेड्यूल कास्ट के होंगे, ट्राइबल्स के अधिकार नहीं देने हैं तो राष्ट्रपति ट्राइबल हो जाएंगे, ओबीसी को लड़ाना है मुसलमानों से खड़ा कर दो। अभी पूरे सोशल मीडिया पर और मीडिया में ओबीसी आरक्षण को लेकर चर्चा चल रही थी। एक ओबीसी सांसद को इस तरह का मौका दिया गया, क्या ये सब कुछ प्लान करके किया गया है? और अगर नहीं भी प्लान करके, मैं फिर कह रहा हूं, आज मोनू मानेसर जेल में है, कोई बचाने वाला है? कोई है बचाने वाला? उसका पॉलिटिकल कैरियर खत्म, फिनिश। मैं फिर कह रहा हूं, इस देश के तमाम बहुजन समाज के लोगों को सचेत रहना चाहिए और कभी भी इस तरह के अपराध में शामिल नहीं होना चाहिए, चाहे वो धार्मिक हिंसा हो, चाहे वो जाति के नाम पर हिंसा हो। आपको कोई नहीं बचाने आएगा और आपका राजनीतिक जीवन, सामाजिक जीवन, पॉलिटिकल जीवन बर्बाद हो जाएगा। मेरा क्या है, मैं तो आपको समझा सकता हूं। संविधान में के दायरे में रहकर अपनी राजनीति कीजिए, संविधान में रहकर अपने हक अधिकार की बात कीजिए, नहीं तो आपको बचाने वाला कोई नहीं होगा। और ये बहुत जरूरी है। देखिए मोनू मानेसर के साथ क्या हुआ, कि आज मोनू मानेसर के साथ कोई खड़ा है, राजस्थान पुलिस की कस्टडी में है, देर सवेर सजा हो जाएगी। कल्पना कीजिए कल सरकार बदल जाएगी तो क्या होगा। और सोचिए, रमेश विधूरी का कैरियर चौपट हो गया, अब इसका पॉलिटिकल डेड हो गया, अब ये मंत्री बनना तो दूर है, हो सकता है कि अगले बार चुनाव भी न लड़ पाए और पत्ता कर जाए। किस तरह से, सोचिए। मैं इसीलिए कह रहा हूं,
बहुजन समाज के लोगों को बहुत संवैधानिक दायरे में रहकर अपनी लड़ाई लड़नी चाहिए। मोनू मानेसर हो या रमेश विधुरी जैसे लोग, एक संस्थांत के तरह सोचिए, बीजेपी के दोनों पूर्व केंद्रीय मंत्री और दोनों नेता सांसद हैं। हर्षवर्धन ने कहा, किनारा कर लिया कि नहीं नहीं नहीं, मेरा इस बयान से कोई लेना देना नहीं है। जबकि जिस समय रमेश विधुरी अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रहा था, अपना पॉलिटिकल करियर बर्बाद कर रहा था, ये दोनों हंस रहे थे। जिस समय रमेश विधुरी पूरे ओबीसी समाज को अपमानित करवा रहे थे, जिस समय रमेश विधुरी के चलते आज पूरा ओबीसी समाज चिंतित है। सोचिए किस तरह से टॉक्सिक राजनीति हो गई है। और मैं फिर कह रहा हूं, दलित पिछड़े आदिवासियों को यह समझना पड़ेगा, नहीं तो आपका पॉलिटिकल डेथ हो जाएगा। और सोचिए कि किस तरह से आप इस तरह के अपराध में, ये लीगल ऑफेंस है। सुप्रीम कोर्ट के वकील महमूद प्राचा ने कहा है कि लीगल ऑफेंस है, लेकिन वो तो दानिश अली का शुक्रिया अदा करिए, सोशल जस्टिस के बड़े सिपाही हैं, समाजवादी आंदोलन से जुड़े रहे हैं, जेडीएस के साथ रहे हैं, वो समझ गए कि ये सब क्यों हो रहे। देखिए वीडियो में भी दिखाई दे रहा है कि, ये सुनिए, सरकार कर रहा है, वो वीडियो में भी दिखाई दे रहा है कि नरेंद्र मोदी जी के सरकार के दो पूर्व कैबिनेट कोलीग्स उनके पीछे बैठे हुए हैं और वो हंस रहे हैं ठहाका मार के, जो 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 बहुत अच्छी तरीके से हर्षवर्धन जी दिखाई दे रहे हैं, रविशंकर प्रसाद जी उसमें दिखाई दे रहे हैं खिलखिलाते हुए। नहीं मतलब ये दानिश अली की के बारे में जो हो रहा, वो कोई वहाँ एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की हैसियत से हूँ मैं, कंडेम कर रहा है वो वीडियो में भी। सोचिए दोनों सवर्ण नेताओं ने पल्ला झाड़ लिया है, कल बीजेपी पल्ला झाड़ लेगी, पॉलिटिकल करियर विधुरी का बर्बाद हो गया। एक तो दो बार के सांसद, पहले ही मंत्री नहीं बनाया, साहेब सिंह वर्मा के बेटा राम प्रवेश जी को वैसे ही मंत्री नहीं बनाया। तो अगर आप दलित पिछड़े आदिवासी हैं, तो जो हालत पहले कांग्रेस में थी वही हालत बीजेपी में है। ये समझना पड़ेगा बहुजन नेताओं को, अभी जरूरत है। अनुप्रिया पटेल ने क्या कहा, सोचिए, अनुप्रिया पटेल दो बार की सांसद है, उनको राज्य मंत्री बना रखा है। अनुप्रिया पटेल ने क्या कहा कि हमें किसी भी कीमत पर ओबीसी आरक्षण चाहिए, महिला आरक्षण में 33% जो रिजर्वेशन है। सोचिए उमा भारती, जिनको 6 बार की सांसद रही, पिछली बार उनको जल संसाधन मंत्री बनाया गया, उनका कैरियर डिस्ट्रॉय कर दिया गया, मुख्यमंत्री तक नहीं रहने दिया गया। विनय कटियार के साथ क्या हुआ, कल्याण सिंह के साथ क्या हुआ, जिन लोगों ने इस पार्टी को सींचा था, दलित पिछड़े साइड कर दिए गए, और आज पार्टी में फाइनेंस मिनिस्टर कौन है, डिफेंस मिनिस्टर कौन है, या आप सोचिए रेल मंत्री कौन है। दलित पिछड़ों को किस तरह से झुंझुना बताया जा रहा है, और उनसे उनका तो पॉलिटिकल करियर भी बर्बाद हो रहा है, हिंसक हो रहे हैं वो लोग, चाहे वो मोनू मानेसर हो, चाहे रमेश विधुरी जैसे लोग हो, इन लोगों का पॉलिटिकल करियर बर्बाद हो जाता है। इसलिए किसी भी तरह के धार्मिक और इस तरह के जातिवादी हिंसा से दूर रहिए। मैं SC ST OBC के लोगों से अपील कर रहा हूं, अल्पसंख्यक समाज के लोगों से अपील कर रहा हूं, किसी के बहकावे में ना आए, अपने बच्चे को जरूर चेक करें, अगर वो राजनीति में है, सामाजिक जीवन में है, क्या वो अपना पॉलिटिकल करियर बर्बाद कर रहे हैं। धर्म के नाम पर सिर्फ आपका इस्तेमाल होगा, आपके कम्युनिटी का वोट लिया जाएगा और आपको बर्बाद कर दिया जाएगा। रमेश विधुरी पहले भी विवादित रहे हैं और अब इस मामले में उनका पॉलिटिकल करियर पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि आने वाले समय में कोई भी पार्टी घास नहीं डालेगी, यहां तक कि बीजेपी भी घास नहीं डालेगी और नहीं डालना चाहिए। रमेश विधुरी ने ऑफेंस किया है, लीगल ऑफेंस किया है, उनकी तो गिरफ्तारी होनी चाहिए। और आप सोचिए, मैं इसलिए कह रहा हूं, जो मोनी मानेसर का हुआ, देर सवेर इस तरह की चीजें होंगी, कल सरकार बदल गई तो कौन बचाने आएगा। अब मैं आपको बता रहा हूं, एक सवर्ण समाज का पत्रकार का, देखिए ये, देखिए ये, इसकी हिम्मत है, चाहे कुछ भी हो जाए, एक माँ के आंख में आंसू ना आवे, वादा करता नहीं, वादा करता नहीं, हम मर जाएंगे, हम मर जाएंगे लेकिन छूटेंगे नहीं, वादा करता है। अरे आज मेरी माँ के आंखों में आंसू है ना, मैं वादा करता हूँ कि मैं जिस दिन जेल से निकलूंगा ना, मैं लाखों माँ के आंखों के आंसू को पोछूंगा। सोचिए, ये त्रिपुरारी तिवारी है जो अपने आप को यूट्यूबर था, और इस शख्स ने सरेआम फेक वीडियो बनाया था, मैनिपुलेशन किया था, इसकी वजह से हिंसा फैली। मेरे
मेरे इलाके के एक युवक की भगदड़ में रेलवे स्टेशन पर तिरपुर में मौत हो गई, वो नहीं रहा, हिंसा फैली, लोगों दो राज्यों के बीच उन्माद फैलाने की कोशिश हुई, फेक वीडियोज बनाए गए, इसके बाद इस शख्स जेल में है और सोचिए समाज इसके साथ है। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि इस देश के युवाओं को मैं कह रहा हूं कि आप किसी भी तरह के छोटे स्वार्थ में मत फंसिए, इलीगल काम मत कीजिए, देश में संविधान है, संविधानिक दायरे में रहिए। और खासकर जिन लोगों को जाति और धर्म के नाम पर नफरत फैलाया जा रहा है, कोई आपको पैसा दे देगा, ये इलीगल कर दो। मैं पिछले 5 साल से यूट्यूब चला रहा हूं, 15 साल से मैं पत्रकारिता में, मैं कोई भी इलीगल काम नहीं करता हूं, मैं फेक वीडियो नहीं चलाता हूं, व्यूज के लिए मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूं, जो सच है वो सच है, न मैं किसी पार्टी के विरोधी हूं, न किसी जाति धर्म के विरोधी हूं, मैं जातिवाद के खिलाफ हूं, मनुवाद के खिलाफ हूं, ब्राह्मणवाद के खिलाफ हूं, गैर बराबरी के खिलाफ हूं, हिंसा के खिलाफ हूं, और मैं लीगल दायरे में रहकर अपना काम करता हूं। इसलिए आप कभी भी जाति के नाम पर अपराध मत कीजिए, धर्म के नाम पर अपराध मत कीजिए, किसी से नफरत मत करिए। पत्रकार का मतलब है आपको खबर दिखाना है, जो पीड़ित है उसके साथ खड़ा रहना है, फैक्ट के साथ खड़ा रहना है, सच के साथ खड़ा रहना है, किसी पार्टी का प्रवक्ता नहीं बन जाना है। मैं इस देश में मीडिया के पर जो सवाल उठाता हूं वो इसलिए क्योंकि वहां डाइवर्सिटी नहीं है, मीडिया इस देश के का बायस्ड है। मैंने 10 साल नौकरी किया टेलीविजन में, मैं इसलिए कह रहा हूं, मैं बहुजन समाज की, सोचिए। मुझे याद आ रहा है वो दत्तात्रेय जो रोहित बेमूला केस में, उसका पॉलिटिकल करियर खत्म हो गया, दक्षिण आंध्र प्रदेश का नेता। मुझे याद आ रहा है कल्याण सिंह का क्या हुआ, सोचिए उनके बच्चे आज कहां हैं। उमा भारती तो अब खुल के आ गए हैं कि पिछड़े समाज को आरक्षण दीजिए। विनय कटियार का पॉलिटिकल डेथ हो गया। आप राजनीति में बड़े पदों तक तभी पहुंच सकते हैं जब आपकी छवि साफ हो, आप बेदाग हो, आप जाति और धर्म से ऊपर उठकर भारतीय संविधान के हिसाब से राजनीति करेंगे, तभी आप राजनीति में बड़े जगहों पर जाएंगे। आपको हर तरह के अपराध से बचना होगा। और अगर आप SC ST OBC हैं तो बिल्कुल गुंजाइश नहीं है। अगर आप SC ST OBC हैं तो आपको तो ऐसे ही मीडिया फंसा देगा। जो मनुवादी, जातिवादी, ब्राह्मणवादी पत्रकार है वो तो ऐसे ही आपके पीछे पड़ा हुआ है। अब कौन देगा रमेश विधुरी का साथ, कौन मोनू मानेसर के साथ खड़ा है? कल ये सरकार बदल गई तो सोचिए मोनू मानेसर का क्या होगा। अपराध की सजा मिलेगी आपको देर सवेर। इसलिए अपने बच्चों को संभालिए, क्या पता तो कीजिए कि वो जाति और धर्म के नाम पर हिंसा तो नहीं फैला रहा है, वो कोई गैर असंवैधानिक गैर कानूनी काम तो नहीं कर रहा है। मैं फिर कह रहा हूं, सोचिए किस तरह से रमेश विधुरी को रोका भी जा सकता था बोलने से। उसके बगल में बैठे दोनों सांसद रविशंकर प्रसाद और हर्षवर्धन ने बिल्कुल किनारा कर लिया है ट्विटर पर पोस्ट करके कि मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है और मैं इस तरह के बयान का समर्थन बिल्कुल नहीं करता हूं। अब दूसरी बड़ी खबर है राहुल गांधी, मायावती जी ने भी मोर्चा खोल रखा है। आकाश आनंद ने 2 कदम आगे बढ़कर लोकसभा स्पीकर उनसे कहा है कि उन पर कार्रवाई की जाए। बीजेपी मायावती जी ने बीजेपी से मांग की है कि इस सांसद पर कार्रवाई की जाए। वहीं बीजेपी ने 15 दिनों का नोटिस दिया, लेकिन राहुल गांधी ने आज एक ट्वीट किया है। पहले तो दानिश अली से भी मिले हैं, अखिलेश यादव ने जो बोला है वो भी सुनाऊंगा। जितनी आबादी उतनी हिस्सेदारी, हमारे ओबीसी भाई बहनों का हक है। कास्ट सेंसस के आंकड़े अभी जारी करो, नई जनगणना जाति के आधार पर करो, महिला आरक्षण को 10 साल बाद नहीं अभी से लागू करो। सोचिए आज राहुल गांधी ने उस बात को लेकर भी अफसोस जताया कि किस तरह से पिछले बिल में तो धीरे धीरे ही सही पूरी राजनीति SC ST OBC सेंट्रिक हो रही है। और इस देश के तमाम वो लोग जो बहुजन समाज के लोग हैं, जो सोशल मीडिया से लेकर अखबार, रोड, सड़कों पर जो लोग पिछले 10 सालों से संघर्ष कर रहे हैं, सोशल मीडिया के आने के बाद जिस तरह से उसमें तेजी आई है, अब हर घर में SC ST OBC के लोग सचेत हो रहे हैं अपने संवैधानिक अधिकारों के लिए। काश रमेश विधुरी अपने पार्टी से बगावत करता और समाज की महिला बेटियों के लिए, महिलाओं के लिए, बेटियों के लिए, संवैधानिक अधिकार के लिए इस सरकार से, अपनी ही सरकार से लड़ते तो वो आज देश के बड़े नेता होते। लेकिन उन्होंने अपनी साख को बट्टा लगा लिया, ऑफेंस कर दिया, अब तो देखिए क्या होता है। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि किसी भी तरह के ऑफेंस ना करें और लगातार बने रहें। और मैं फिर कह रहा हूं बहुजन समाज को जागरूक होना पड़ेगा। और कितना नुकसान हुआ है विधुरी की वजह से, एक तो समाज की बदनामी, दूसरा पूरा जो SC ST OBC का जो मोमेंटम चल रहा था महिला आरक्षण को लेकर वो पटरी से उतार दिया गया और पूरे SC ST OBC समाज को एक मुस्लिम समाज के सामने खड़ा कर दिया।
लेकिन मुझे पता है बहुजन समाज के लोग कभी भी अपने किसी भी आरोपी के पक्ष में खड़ा नहीं होते हैं। अरे लालू यादव को भी लोगों ने कोर्ट ट्रायल को फेस करने दिया, उनको सजा हुई, सब हम सब जानते हैं कि वो एक पॉलिटिकल मुजरिम है, उनको साथ पॉलिटिकल वेंडेटा लिया गया, बदले की भावना से कार्रवाई की गई है। उसके बाद भी सोचिए हम लोग की बहुजन समाज का FIR नहीं लिखा जाता है, हमारे लोग खीरा चोरी के झूठे आरोप में जेल में बंद है, उसके बाद भी आरोपी को हम लोग संविधान मानने वाले लोग हैं, पुलिस व्यवस्था पर भरोसा करने वाले लोग हैं, हम लोग ट्रायल को फेस करते हैं, झूठे झूठे आरोपों को झेलते हैं, सालों साल कोर्ट कचहरी झेलते हैं SC ST OBC अल्पसंख्यक समाज के लोग, उसके बाद भी इस देश के संविधान और कानून व्यवस्था पर भरोसा है, जहां न हमारा SP है, न DM है, न चपरासी है, न जस्टिस है, न चीफ जस्टिस है, न हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जज है, उसके बाद भी बाबा साहेब के संविधान पर भरोसा है और ये बना रहना चाहिए। लेकिन ऐ रमेश विधूरी जैसे लोग जिनका इस्तेमाल हो रहा है और जो इस्तेमाल हो रहे हैं, ऐसे लोग ऑफेंस कर रहे हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं जाति और धर्म के नाम पर लड़ना छोड़िए, अपने संवैधानिक अधिकारों के प्रति सजग होइए और आज यही रमेश विधूरी उमा भारती की तरह, अनुप्रिया पटेल की तरह पार्टी से सवाल पूछता कि हमारे बहन बेटियों का अधिकार क्यों छीन लिया, तो आज देश के नेता होते और आज ये शर्मसार के विषय बन गए हैं। लोग गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं और इनके खुद के साथी ने इनसे पल्ला झाड़ लिया है। इसलिए सावधान रहिए, सचेत रहिए, किसी के बहकावे में मत आइए और धर्म के नाम पर कोई हिंसा मत कीजिए, जाति के नाम पर कोई हिंसा मत कीजिए, संवैधानिक दायरों में बनते रहिए। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया भी जरूर दीजिए। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।